मित्रों अभी हम लोग दरभंगा जिला के कीरतपुर प्रखंड में है दोस्तों, और आप लोग देख पा रहे होंगे कोसी का विकराल रूप जो है किस प्रकार से लिया है दोस्तों। अभी हम लोग कीरतपुर प्रखंड के भूगोल बांध है दोस्तों, और आज रात में जो है 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच में जो है इस बांध को तोड़ दिया है दोस्तों कोसी ने अपना विकराल रूप को दिखा करके। दोस्तों यहां पे बताया जा रहा कि 1 से लेकर 2 किलोमीटर तक जो है इस बांध को तोड़ दिया गया दोस्तों। उसके बाद देखिए इस पेड़ को जो है, ये पीपर का पेड़ है दोस्तों, और ज्यादा समय नहीं कुछ ही क्षणों बाद जो है इस पीपर के पेड़ को भी तोड़ दिया जाएगा दोस्तों। आगे गांव है दोस्तों, अब दूर दूर तक गांव आपको नहीं दिखेगा दोस्तों, सारा गांव जो है कहीं ना कहीं कोसी में विलुप्त हो गया दोस्तों, और जितने भी गांव के लोग हैं वो सारे अपना घर द्वार छोड़ करके सड़क पे आ गए दोस्तों। यहाँ के SP साहब, यहाँ के SDM साहब, यहाँ के DM साहब सब हाथ जोड़ लिए रात में कि भैया हमरे से अब नहीं संभरने वाला है, मतलब सब छोड़ के गरीब किसान को जो है भाग गए वो लोग बैठने के लिए। लेकिन यहाँ मर कौन रहे, तो गरीब किसान मर रहे दोस्तों, सारे लोग भूखे हैं, प्यासे। समझे कि अगर रात में बारिश हो जाता है, अभी बारिश हो जाएगा तो लोगों को एक पन्नी भी नहीं मिला है, बताइए लोग कैसे रहेंगे। छोटे छोटे बच्चों को रख करके सारे लोग जो है सड़क के किनारे बैठे हुए, आप लोग को पूरा दिखाएंगे, आप लोग बने रहिएगा। लेकिन ये देखिए कि ये जो बांध जो है अभी हम लोग दिखा रहे जहां पे ग्राउंड पे दिखा रहे दोस्तों, इधर आइए थोड़ा और करीब लाइए, और देखिए पूरा बांध का इसका जलस्तर देखिए किस प्रकार से जो दोस्तों वो उछाल मार रहा है, मतलब कभी भी जो है ये पूरा तोड़ सकता है, पूरा हम लोग कभी भी जा सकते हैं। हालांकि नहीं दिखाएंगे ज्यादा देर तक, इधर दिखाए कुछ लोग हैं, इनसे भी बात कर लेंगे। अच्छा, आप लोग को सुविधा पहुंचा है कोनो? नहीं, सुविधा कुछ नहीं पहुंचा है सर, कुछ नहीं पहुंचा, सुविधा नहीं पहुंचा है अभी तक। मान के सरकार के तरफ से लाओ भी डोंगा भी नहीं आया है आदमी को छाने का। मान लीजिए कोई बच्चा अगर इसमें दहा जाता है, कोई भी आदमी, तो बच पाएगा? वो बचाने वाला रेस्क्यू टीम उम नहीं यहाँ पे है अभी? कुछ भी नहीं है सर, रेस्क्यू टीम नहीं है जी, नहीं कुछ भी नहीं है, आदमी सब मर रहा है। हाँ। दोस्तों पटना के मरीन ड्राइव पे अगर आप जाइएगा तो हमेशा 4 गो 5 गो रेस्क्यू टीम रहता है दोस्तों, हमेशा रहता है। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा खतरा किसानों के ऊपर मंडरा रहा है, एक भी रेस्क्यू टीम नहीं है यहाँ, एक भी नहीं है सर, आदमी सब घर पर छत पर बैठा हुआ है, पानी जा रहा है, एक भी छाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है सर, लाने वाला कोई नहीं है सर, लाने वाला कोई नहीं है, कोई सर नहीं है। जी से DM नेता होता सब भाग गए छोड़ कर, सब इस्तीफा दे दिया सर, कहा अब हमसे नहीं संभरने वाला है। और एक भी प्रशासन जो है ये फोन भी नहीं कर रहा है, डोंगा मंगाएगा आदमी को छानेगा, सब बांध को पेट के अंदर में सब परेशान है, खाने पीना तरफ रहा है, बच्चा सब बिलक रहा है। और ये सुन लीजिए साफ लफ्जों में, ये कहीं ना कहीं इन लोगों की, DM साहब लोगों की ढिलाई है, कहीं ना कहीं इन लोगों की जो अगर पूरी कोशिश होती तो इनकी ये किसान ये बान आज नहीं टूटता। ये कब बनाए, एक कब बनाए, ये वाला कब दिया रात में, ये रात में, रात में दिया। देखिए ये चीज इसको पहले देना चाहिए, लेकिन रात में दिया, रात में दिया, वो भी पहले दिन आए, और यहाँ के लोग पूरी तरह कोशिश करके वो दिलवाए, और यहाँ पर ये देना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने कहा कि हमारे पास मिट्टी का इंतजाम ही नहीं है, बताइए। पहले शाम को करना चाहिए, पहले इस्तेमाल करना चाहिए, स्टॉक करना चाहिए, रखना चाहिए। भोज में मेरे कहावत है ना हमारे गाँव में कि भोज भर में कुम्हर रोपा जाता है। अभी तक आदमी को छानने के लिए डोंगा नहीं पहुंचा है, कोई सामान भी अभी सरकारी तरफ से बोर्ड नहीं पहुंचा, मतलब घर के छत पे फंसा हुआ है, फंसा हुआ है, अब उसको लाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। ये जो पानी है कितने गांव को ले डूबेगा, कितने गांव को, उसमें जगसू है, जमालपुर है, खैसा है, इधर क्या नाम है, झगड़वा है, तरी है, तेतरी है, कई सारे गाँव है, लेकिन अभी तक प्रशासन किसी को इतनी, सारे आदमी जो है अपने अपने घरे पर सबले फंसा हुआ है, एक भी सरकार के तरफ से बचाने के लिए एक भी सामान नहीं आया अभी तक, कुछ नहीं आया है सरकार की तरफ, एक भी सामान नहीं आया अभी तक, एक भी जो है वो ये लापरवाही जो हुआ है DM के वजह से हुआ है, किसी अगर जो उसने पहले कहा था तो ये समर जाता। हाँ, लेकिन उसने लापरवाही करके बोलते बोलते रह गया, 11 बजे उसका गाड़ी है, जब तक ये टूट के बह गया, टूट के बह गया। ये इन लोगों को पहले देना चाहिए, बोरा दे दिया, बताइए ये बोरा देने से रोडवा समरेगा जी? हाँ, कोसी के सामने ही बोरा का काम करेगा? इन लोगों को पहले जो है जब पता था कि विकराल रूप कोसी लेने वाला है, तो आज से 2 महीना 4 महीना 10 महीना पहले जो है इस सड़क को मरम्मत करके बढ़िया तरीका से दीवार दे के एकदम ढलाई करके चकाचौक बना
बना देना चाहिए था, लेकिन ये लोग तो बोरा आन के दे दिए कि भैया हम लोग काम कर रहे हैं। आ देखिए पूरा किसान का गांव जो है वो दबा गया है दोस्तों, कि आगे गांव है लेकिन गांव दिख नहीं रहा है दोस्तों कि गांव है। ये दरभंगा जिला के जो है हाल है दोस्तों। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि इन गाँव वाले को जो है कोई सहारा मिले दोस्तों।